चले जी, खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाज़रीन, कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लाल चौक जो बड़ा मार्केट है वो कुछ देर के लिए बंद हुआ है और उसके बाद जो है वहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिली है। दरअसल बात यह है कि आज सुबह ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने एक ड्राइव चलाई है जिसमें हेलमेट्स नहीं है या HSRP नंबर नहीं है, उनको पकड़ लिया जाता था। और डेली रूटीन है ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से, ये श्रीनगर में काफ़ी जगहों पे हमने देखी है। लेकिन आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाज़ाब्ता तौर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है जो गहमा गहमी वहाँ पर शुरू हुआ, उसके बाद काफ़ी वीडियो जो है वायरल हुआ है। इसकी क्या हकीकत है, हमने मुनासिब समझा कि आप तक जो है दूसरा पहलू भी दिखाने की कोशिश करेंगे और पुलिस का क्या कहना है इस पर। हमारे साथ मौजूद है SSP ट्रैफिक मुजफ्फर शाह साहब, इन्होंने क्या कुछ इस पर बताया है वो ज़रा आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सवेरे मॉर्निंग में लाल चौक में एक स्पेशल ड्राइव हो रही थी अगेंस्ट नॉन एफिक्सेशन ऑफ HSRP नंबर प्लेट। तो ज्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ड्राइव एक मोटरसाइकिल जो रोका गया जिसपे एक माइनर जो चला रहा था तो विदाउट हेलमेट, एक तो माइनर था, हेलमेट भी नहीं थी और HSRP नंबर प्लेट नहीं था। तो उस पर्टिकुलर जो टू व्हीलर है उसको सीज़ करने के लिए जब वहाँ पे जो कार्रवाई शुरू हुई तो उस पे जो ये चला रहा था माइनर, उसने ऑब्जेक्ट किया कि मैं आपको ये सीज़ नहीं करने दूंगा। और इसी मामले में अपरेंटली जो उसका फादर है, तो वालिद साहब जो उनके हैं, मुझे बताया गया है कि ही इज़ ए शॉपकीपर, तो दे रिफ्यूज टू हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर टू व्हीलर। तो दैट वाज द बेसिक रीज़न कि ना जो सवेरे वाला जो इशू हो गया। तो क्योंकि हमने टू व्हीलर हो या उसके बाद जो माइनर अगर चला रहा है तो उस पर जो बाकी जो कार्रवाई होनी है वो तो होगी होगी, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इट सीम्स कि वहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ है कि इसको एक डिफरेंट डायरेक्शन दी जाए, एक वाइटेट किया जाए वहाँ पे माहौल, ताकि जो बेसिक कार्रवाई हो रही है इस पर कि माइनर्स के अगेंस्ट जो हम वेरी स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, तो इसको वहाँ से इसमें जो थोड़ा सा ना डाइवर्जन दिया जाए ताकि इस पर कार्रवाई जो माइनर और जो उसका पेरेंट है, बिकॉज इसमें पेरेंट की भी उतनी ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसको रोकने के लिए इट सीम्स ए डेलिबरेट अटेम्प्ट। सर आप देखें, आज भी हम एक पर्टिकुलर स्कूल में गए थे यही बताने के लिए, ये जो माइनर्स वहाँ पे, कि आप बराई मेहरबानी टू व्हीलर्स नहीं चलाएं, अगर और अगर आपको पकड़ा जाता है इसमें जो कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई है वो वेरी स्पेसिफिक है कि जो गार्डियन हो या पेरेंट हो उसको 3 साल तक इसमें सज़ा मिल सकती है, इसमें 25,000 तक जो है फ़ाइन हो सकता है और जो रजिस्ट्रेशन है इस टू व्हीलर या फोर व्हीलर की 1 साल तक इसमें कैंसिल हो सकती है, और जो जो ये माइनर है वो जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको लाइसेंस भी नहीं मिल सकती है। तो इसमें लॉ इज़ वेरी क्लियर और यही चीज़ हम अब आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके भी वो जो बच्चे हैं उनको जो अवेयरनेस वाला जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो उनको हम यही बताते हैं कि आप अपनी आप को इस सिचुएशन में नहीं डालें जहाँ पर आपके अगेंस्ट और आपके पेरेंट्स या गार्डियंस के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। तो मेरी बारह गुजारिश रही है पेरेंट्स के से कि बराई मेहरबानी हमारे इस एंडेवर में हमारा साथ दें, माइनर्स को आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने की जो है इजाज़त नहीं दें। शुक्रिया।